दोस्तों देखिए, एक YouTube चैनल ओपन करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपके लिए होता है कि वीडियो कैसे एडिट करना है। दोस्तों अगर आप वीडियो एडिट नहीं कर सकते हैं तो आप एक YouTube चैनल नहीं चला सकते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो कैसे एडिट करना है। दोस्तों देखिए, वीडियो एडिट करने के लिए प्ले स्टोर पर ढेर सारा ऐप्स है, लेकिन दोस्तों मैं आज एक ऐसी ऐप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिस ऐप्स के माध्यम से आप आराम से एक मोबाइल फ़ोन से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। किसी ने आपको ये नहीं बता सकता है कि आपने ये वीडियो मोबाइल से एडिट किया है। दोस्तों लोगों को लगता है कि आपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर यह वीडियो एडिट किया है। दोस्तों इस तरह आप वीडियो एक मोबाइल फ़ोन से एडिट कर सकते हैं, और इस तरह मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक प्रोफेशनल वीडियो आप कैसे मोबाइल से एडिट कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। ताकि होता क्या है कि दोस्तों एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, यानी कि खुशियाँ अंदर में फील होता है। सो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों चलिए कैसे वीडियो एडिट करना है आपको सिखाता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि काइनमास्टर ऐप से एक प्रोफेशनल वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। दोस्तों काइनमास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप इस लिंक के थ्रू आराम से काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करते हो तो इस ऐप में वाटरमार्क देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि काइनमास्टर में वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता है। सो दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपका सामने तीन ऑप्शन डिस्प्ले होता है। जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है ये काइनमास्टर का स्टोर है, और बीच में जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के थ्रू वीडियो एडिट करना है, और सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं, यानी कि वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्लस आइकॉन वाला जो है ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए सिलेक्ट एस्पेक्ट रेशो, यहाँ पर देखिए 16:9 और 9:16 और 1:1। सो दोस्तों ये तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। जैसे कि दोस्तों YouTube वीडियो के लिए 16:9 आपको चूज़ करना होता है, मोबाइल के लिए वीडियो अगर आप बनाते हो तो 9:16 आपको चूज़ करना होता है, Instagram या Facebook के लिए अगर आप वीडियो बनाते हो तो 1:1 आपको चूज़ करना है। तो चलिए मैं 16:9 चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपका सामने डिस्प्ले होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो यहाँ पर देखिए एक राउंड वाला जो ऑप्शन है इसमें सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए मीडिया है, और राइट साइड पर देखिए ऑडियो, नीचे देखिए वॉइस, और लेफ्ट साइड पर देखिए लेयर। सो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए इस वीडियो देखने के बाद दूसरा और कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों आप 100% वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो मीडिया ऑप्शन है मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं इस वीडियो को इनपुट करना है, यानी कि ऐड करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों चलिए मैं एक वीडियो यहाँ से इनपुट कर लेता हूँ। दोस्तों आपकी जो फाइल है सारी फाइल यहाँ पर शो होता है, यहाँ पर डाउट की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो यहाँ से इनपुट करता हूँ। सो दोस्तों देखिए ये जो फाइल है ओपन हो रहा है, तो चलिए मैं ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ओके चिन्ह है, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए वीडियो लास्ट पर है तो फास्ट पर कैसे आना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए फास्ट पर वीडियो आ चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि वीडियो में कैसे काट करना है, यानी कि ट्रिम कैसे करना है। दोस्तों देखिए एक वीडियो शूट करने के बाद होता क्या है कि फर्स्ट आपको एक मिनट या 30 सेकंड आपको डिलीट करना होता है, क्योंकि कैमरा ऑन करना होता है, तो ये चीज़ वीडियो में नहीं दिखाना है, इसलिए दोस्तों काट करना होता है। सो दोस्तों सबसे पहले काट करने के लिए ये जो इसको कहा जाता है दोस्तों लेयर, देखिए दोस्तों इसको कहा जाता है लेयर। तो सिंपली इस लेयर के ऊपर अगर आप हाथ से करते हो तो उंगली से सिंपली एक बार टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हाईलाइट हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप कितना कितना काट करना है यहाँ पर दोस्तों खींचना है,
जैसे कि दोस्तों लेफ्ट साइड पर आपको खींचना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों खींचने के बाद सिंपली यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये आपके लिए निशान होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक डंडा की निशान है, यहाँ पर रेड कलर की देखिए एक छोटा सा डंडा की निशान है, ये निशान होता है। दोस्तों ये जहाँ पर आप रखेंगे यहाँ से लेफ्ट साइड या राइट साइड काट होता है। तो दोस्तों चलिए मैं इतना तो मतलब काट करना है लेफ्ट साइड। तो काट करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि सिंपली इस लेयर पर देखिए क्लिक है, चलिए मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, देखिए इतना ही है। और ये जो डंडा है, डंडा की लेफ्ट साइड मुझे काटना है। तो सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सीजर आइकन है, तो सिंपली सीजर आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका सामने तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड और नीचे देखिए स्प्लिट एट प्ले हेड। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों लेफ्ट साइड काटने के लिए दोस्तों देखिए ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड यानी कि लेफ्ट साइड सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काट चुका है, तो इसके बाद सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप ये फिर से अंडू करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंडू बटन है, इस पर क्लिक करके आप अंडू भी कर सकते हैं यानी कि रिटर्न ला सकते हो। तो इस तरह दोस्तों काटना है लेफ्ट साइड। आप चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि राइट साइड कैसे काटना है। तो दोस्तों राइट साइड, ये वीडियो पूरा राइट साइड लेके जाने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करना है। देखिए राइट साइड पर आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर मतलब लगभग एक मिनट डिलेट करना है यानी कि काट करना है। तो काट करने के लिए दोस्तों सिंपली लेयर पर क्लिक करना है, उसके बाद सीजर पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काट हो चुका है, उसके बाद डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो दोस्तों ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है कि कैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड काटना है। आप चलिए बात करते हैं कि बीच में कैसे काट करना है। तो बीच में काट करने के लिए दोस्तों चलिए ये जो है खींच, आप जहाँ पर खींचेंगे यहाँ पर जाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं राइट साइड पर खींचता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर जा रहा है। अगर लेफ्ट साइड पर खींचना है तो लेफ्ट साइड पर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बीच में मैं काट करना है। तो बीच में काट करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि जहाँ पर आप काट करना है ये डंडा यहाँ पर निशान होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों इस जहाँ पर डंडा है यहाँ पर मुझे काट करना है। तो सिंपली करना क्या है, सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्प्लिट एट प्ले हेड, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो जो है यहाँ पर देखिए टू पार्ट हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों मान के चलिए यही तो काटना है। जैसे कि दोस्तों सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों लगभग यहाँ से चलिए इतना तक काटना है। तो सिंपली फिर से सीजर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से स्प्लिट एट प्ले हेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है बिल्कुल अलग हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो पार्ट है, पार्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है यानी कि उंगली से टच करना है। तो टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर डिलीट ऑप्शन है, सिंपली डिलीट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों काटिंग के बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कि दोस्तों कैसे एक्स्ट्रा लेयर सेट करना है। चलिए दोस्तों एक्स्ट्रा लेयर कैसे सेट करना है ये भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देखिए मैं लेकर आया है। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप एक मिनट बाद कुछ एक चीज़ दिखाना चाहते हो ऑडियंस को, तो क्या चीज़ दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एक फ़ोटो आप दिखाना चाहते हो, तो सिंपली दोस्तों जहाँ से आप दिखाना चाहते हो यहाँ पर ये डंडा के निशान रखना होता है। जैसे कि ये वीडियो खींचना है इस तरह, तो चलिए मैं यहीं से एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस देखिए यहीं से ये जो डंडा है, ये डंडा की निशान आपको हर टाइम गौर से देखना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लेयर जो ऑप्शन है, लेयर की ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने डिस्प्ले होता है, मीडिया। सबसे फास्ट जो है, सबसे ऊपर में जो टॉप लेवल पर है, मीडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप जो फ़ोटो या जो वीडियो कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं तो यहीं से दोस्तों आपको करना क्या है, सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है मैं सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों ये जो इमेज है आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, आप रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले रोटेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप पूरा घुमा सकते हैं।
और इसके बाद दोस्तों अगर आप छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। दोस्तों आप जहाँ पर रखना है आप रख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं यहीं पर रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों अगर आप ये फ़ोटो जितना लंबा वीडियो है पूरा वीडियो तक आप दिखाना चाहते हो तो ये जो लेयर है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर देखिए बन चुका है, तो ये लेयर आपको करना क्या है कि ये लेयर आपका वीडियो जितना लंबा है उतना तक आपको खींचना होता है। तो दोस्तों कैसे खींचना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उंगली से टच करना है और उंगली से लॉन्ग प्रेस करके यहाँ इस तरह राइट साइड पर खींचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि जितना तक आप दिखाना चाहते हो इतना तक ये लेयर आपको खींचना होता है। सो दोस्तों मान लीजिए कि ये कंप्लीट मेरा हो चुका है तो ऐसे ही खींचना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप एनिमेशन डालना चाहते हैं, जैसे कि कुछ डिजाइंस करना चाहते हैं कि किस तरह ये फ़ोटो सामने आना है, तो सो दोस्तों देखिए यहाँ पर डाल में ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस वीडियो ये जो लेयर है फास्ट मतलब साइड पर लेके आना है। और उसके बाद दोस्तों मान के चलिए कुछ एनिमेशन डालना है, जैसे कि ये फोटो जो है जब आता है सामने तो कुछ डिज़ाइन करके आना चाहिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सीजर के नीचे देखिए तीन ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इन एनिमेशन यानी कि फर्स्ट टाइम कैसे आना है ये फ़ोटो, तो इन एनिमेशन की ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दोस्तों चलिए यहाँ पर एक एक करके मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए स्लाइड राइट, तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से ये फ़ोटो आ रहा है। तो उसके बाद दोस्तों और भी ऑप्शन है, आप एक एक करके जो भी आपको पसंद लगता है वही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं कबाड़ सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों इन एनिमेशन आपको सिलेक्ट करना है, चलिए मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आउट एनिमेशन, जैसे कि दोस्तों आप ये जो फ़ोटो जितना तक आप दिखाना चाहते हो उसके बाद ये फ़ोटो यहाँ से कैसे रिमूव होना चाहिए, मतलब किस डिज़ाइन से, तो इसको कहा जाता है आउट एनिमेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए आउट एनिमेशन, तो सिंपली आउट एनिमेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से सेम ऑप्शन दिया गया है कि आप किस तरह मतलब रिमूव करना चाहते हो। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि मैं स्पिन CW चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह घुमा घुमा के आउट होता है यानी कि रिमूव होता है। अब बात आती है कि दोस्तों ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो आप लगभग आप 2 मिनट तक आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, तो बीच में कैसे ये फ़ोटो मतलब क्या करना है, इस फ़ोटो को कैसे एनिमेशन डालना है कि हाईलाइट करने के लिए। सो दोस्तों चलिए ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये फ़ोटो कैसा है आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो की ऑडियो जो है, ऑडियो अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो ऑडियो भी रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऑडियो कैसे रिमूव करना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऑडियो है और जब यहाँ पर मैं वीडियो चालू करता हूँ ना, तो उसके बाद दोस्तों ऑडियो चलने लगता है, तो मेरा बात और ऑडियो जो है एक साथ होता है और मेरा आवाज़ जो है क्लियर सुनाई नहीं देता है। इसलिए दोस्तों मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो ऑडियो डिलीट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, वीडियो के जो लेयर है सिंपली लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरह स्क्रॉल, इसके बाद दोस्तों सीजर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो, सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडियो जो है आ चुका है, यहाँ पर देखिए ऑडियो लाइन जो ग्रीन लाइन है, तो सिंपली इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पर देखिए डिलीट ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो ये जो ऑडियो है बिल्कुल आउट हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ कि ये जो एनिमेशन है एनिमेशन किस तरह होता है। सो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये फ़ोटो आया है, मैं फिर से एक बार चालू करता हूँ, यहाँ पर देखिए किस तरह आता है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों ये जो फ़ोटो है यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर साइलेंट है, तो ये कैसे मतलब एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे कि हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये जो लेयर है दोस्तों, इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और ये इस लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एनिमेशन यहाँ पर देखिए ओवर रोल एनिमेशन, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बाइट नाउ, ब्लिंक नाउ, और यहाँ पर और भी देखिए पाल्स, यहाँ पर देखिए जीटार, तो यहाँ पर देखिए रिंग, देखिए मैं यहाँ पर रिंग सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह एनिमेशन होता है कि जितना तक आप रखेंगे ये लेयर जितना लंबा उतना तक इस तरह एनिमेशन होते रहता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है एनिमेशन।
तो दोस्तों एनिमेशन की जो बात है ये ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं ये सिलेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर डन ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, इसके बाद डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों अब बात आती है कि चलिए ये वीडियो आपके लिए, आपका जो एडिटिंग है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो की एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करना है दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए सबसे पहले वीडियो की जो लेयर है, लेयर ये फर्स्ट स्टेप पर लेके आना है और इसके बाद दोस्तों सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऑडियो, सिंपली ऑडियो पर क्लिक करना है। दोस्तों ऑडियो पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जितना ऑडियो सॉन्ग्स है या ऑडियो म्यूजिक है यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो जो ऑडियो म्यूजिक या सॉन्ग्स आपको सेट करना है यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर यहाँ से एक सॉन्ग्स यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एक सॉन्ग्स यहीं से ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो गौर से देखना है, उसके बाद दोस्तों आप एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जो सॉन्ग्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसके बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑडियो जो है सिलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस ऑडियो की जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपको कम करना है। अगर दोस्तों आप वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो होता क्या है कि आपका बात जो है, आपका जो वॉयस है, वॉयस की साउंड जो होता है जितना होता है ऑडियो की साउंड उतना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका ऑडियो की साउंड ज़्यादा होता है और आपका वॉयस ऑडियंस नहीं सुन पाता है। इसलिए दोस्तों ये जो म्यूजिक है, म्यूजिक का साउंड आपको कम करना है। तो सिंपली इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखिए, गौर से देखिए, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, तो सिंपली यहाँ पर 100 में से आप अपना हिसाब से आप रख लीजिए। जैसे कि दोस्तों लगभग 20 तक सबसे बेटर होता है 20, तो चलिए मैं इतना तक रखता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इतना तक सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि नीचे यहाँ पर देखिए इस लेयर के अंदर एक डंडा के निशान यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों आप शायद नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा शो होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 25 रखा है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो को लेफ्ट साइड पर खींचना है, यहाँ पर पूरा खींचना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए वीडियो और लंबा है और मेरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इतना छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है कि आप अगर मान के चलिए कि फर्स्ट पर आपने 20 रखा है तो यहाँ पर आपको 20 रखना है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो पूरा वीडियो में ये बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर मैं डन कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए दोस्तों सिंपली इस म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए लॉप, तो सिंपली लॉप पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए और एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है, एक्सटेंडेड टू एंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो सिंपली ये ऑन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जितना वीडियो लंबा है उतना तक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो चुका है। तो आप चलिए दोस्तों सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर ये आप डिलीट करना है तो सिंपली बैकग्राउंड म्यूजिक लेयर के ऊपर क्लिक करना है और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि दोस्तों देखिए और भी बहुत ऐसे ऑप्शन हैं। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप मान के चलिए कि इस वीडियो के अंदर कुछ टैग सेट करना है, यानी कि कुछ लिखना चाहते हो, तो लिखने के लिए दोस्तों सिंपली लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टी जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो यहीं से आप लिख सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि हाई लिख देता हूँ, और इसके बाद दोस्तों मैं दोस्तों लिख देता हूँ, इसके बाद आप लिख देता हूँ, इसके बाद सब लिख देता हूँ। तो इस दोस्तों देखिए मैं इतने लिखा है। इसके बाद सिंपली ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो लिखा है यहाँ पर सामने आ चुका है। तो ये आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, आप कहीं पर रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मान के चलिए आप यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रखना है तो रख सकते हैं, यानी कि उंगली से टास करके आप कहीं पर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहीं पर रखना है। उसके बाद दोस्तों ये जो राइटिंग है, यानी कि इसका जो मतलब क्वालिटी होता है बोल्ड, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कि ये राइटिंग को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए डबल ए सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, नोटो सरिफ बोल्ड, तो मैंने देखिए चूज़ किया है, और इसके बाद सिंपली ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसका भी एनिमेशन होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एनिमेशन है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये इसका ये जो आपने लिखा है
इस पर आप कलर कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीजर की राइट साइड पर एक आइकन है, देखिए और राउंड वाला व्हाइट, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो कलर आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, चलिए मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डाल ऑप्शन है, सिंपली डाल ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस राइटिंग के नीचे अगर आप बैकग्राउंड यानी कि कुछ इमेज डालना चाहते हो या बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, तो जैसे कि दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। तो सिंपली बैकग्राउंड पर देखिए मैंने ऑन किया है तो यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। तो दोस्तों यहीं से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं ये ऑफ कर लेता हूँ और इसके बाद सिंपली डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों आप चलिए कि इसको कैसे एनिमेशन ऐड करना है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए दोस्तों ये जो लेयर है इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका पसंद है यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर चलिए लेटर बाय लेटर चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों किस तरह यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह एनिमेशन आप आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन आप लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह एनिमेशन ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों मैं डाउन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद ये जो राइटिंग है मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट करने के लिए सिंपली लेयर पर क्लिक करना है और डिलीट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए और एक चीज़ है कि सिंपली लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए इफेक्ट्स यानी कि इफेक्ट इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद होता क्या है कि दोस्तों अगर आपका बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स आप ब्लर करना चाहते हो, जैसे कि छुपाना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपका सामने डिस्प्ले होता है। आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं फास्ट ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों सिंपली डाल ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मेरा जो मुँह है मैं वही हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये और भी ब्लर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सेटिंग आइकन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ब्लर, तो सिंपली यहाँ पर 2% है और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह ब्लर करना है। तो चलिए ये भी डाल हो चुका है। इसके बाद मैं ये ब्लर जो है डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन है, जैसे कि दोस्तों क्लासिक स्ट्राइकर, अगर दोस्तों यहाँ पर ये पहले से मौजूद नहीं होता है तो यहाँ पर गेट मोर ऑप्शन पर क्लिक करके और आपका डाटा ऑन करके आप डाउनलोड करना होता है। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि ये काइनमास्टर के थ्रू मिलता है। तो चलिए ये भी मैं डाउन ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए और एक निशान है, जैसे कि सबसे नीचे हैंड राइटिंग, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर पेन टूल है, तो देखिए मैं कुछ भी करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप कुछ भी आप लिख सकते हो या कुछ भी आप हाईलाइट करके दिखा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पेन टूल नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि दोस्तों सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं फोर एंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यह भी एक काफ़ी बड़ा ऑप्शन दिया गया है, तो यही से ये काम किया जाता है। सो दोस्तों चलिए ये भी कम्प्लीट हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों चलिए मैं हैंड राइटिंग जो है यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, मतलब लेयर के अंदर जितना ऑप्शंस है मैं एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में बात कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों आते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों सारी ऑप्शन देखने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि वीडियो की लेयर जो है लेयर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप और भी चीज़ है, जैसे कि सीजर की राइट साइड पर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जूम, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो वीडियो है आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटा किया है। तो दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो इतना छोटा दिखाना चाहते हो तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए इजिकल टू जो ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों होता क्या है कि पूरा वीडियो इस तरह देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर और भी एक चीज़ है कि जूम के अंदर, तो सिंपली जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो वीडियो है मैं पूरा सेम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं ये सेम कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो
छोटा नहीं करना है तो फिर से आपको करना क्या है, जूम ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये जो है इजिकल टू है सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो ये हटा देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप जूम करके और इजिकल टू ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते हो तो देखिए कैसा लगता है देखने में। तो चलिए मैं थोड़ा सा मतलब छोटा कर लिया है। इसके बाद सिंपली डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो चालू कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर यही से मतलब जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से लेयर पर क्लिक करना है, जूम पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो मैंने छोटा किया है मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर क्लिक करना है, वीडियो की जो लेयर है क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए क्लिप ग्राफिक्स, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिलता है जैसे कि वीडियो डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए पावरफुल, तो सिंपली मैं वही सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो के ऊपर देखिए यहाँ पर स्टार जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों यही नहीं, यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मैं नॉन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर और भी ऑप्शन है आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये फ्लाइट ट्रेवल्स जो है सिलेक्ट करता हूँ और इस पर एक एनिमेशन मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही से ये काम किया जाता है। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं ये आपको कंप्लीट हो चुका है मान लीजिए। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों लेयर ऑप्शन पर क्लिक करने के मतलब यह होता है कि जितना सेटिंग्स है एक एक सेटिंग्स के बारे में आपको मैं बता पाऊँ। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए स्पीड कंट्रोल। दोस्तों देखिए 10 मिनट का वीडियो कभी कभी होता क्या है कि 10 मिनट का वीडियो 2 मिनट में दिखाया जाता है, तो दोस्तों स्पीड कंट्रोल पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्पीड कंट्रोल, तो यहाँ पर दोस्तों जितना आप लेफ्ट साइड पर खींचेंगे उतना ही दोस्तों स्पीड होता है। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए मैं एक चूज़ कर लेता हूँ जैसे कि 8x, और उसके बाद दोस्तों चलिए मैं डाउन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे डाउन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों देखिए मेरा मूव पर आप गौर से देखना है कि किस तरह मतलब बात होता है। चलिए मैं यहाँ पर देखिए मैंने कितना स्पीड कर रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यही से किया जाता है। तो सिंपली मैं चलिए ये कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पर वाने रख देता हूँ। इसके बाद डाउन, इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए रोटेट और मिरर, दोस्तों आप रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों रोटेट पर क्लिक करना है और दोस्तों ये जो है वीडियो है आप रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह दोस्तों रोटेट करना है। तो दोस्तों देखिए अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कलर फिल्टर, दोस्तों आपकी वीडियो पर आप कलर भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि चलिए मैं ये कलर चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। सो दोस्तों यही से दोस्तों कलर फिल्टर सेट करना है। दोस्तों एक एक मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो उसके बाद भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सेटिंग है। तो चलिए दोस्तों मैं ये मतलब अनचेक कर लेता हूँ। इसके बाद डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों कलर एडजस्टमेंट, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो की जो ब्राइटनेस है कलर है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, सबसे पहला जो है ये ब्राइटनेस का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट ब्लैक आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए कलर है, और इसके बाद देखिए कलर है, तो यहाँ पर आप रेड ब्लू कुछ भी आप कर सकते हैं, यानी कि कलर आपका हिसाब से आप एडजस्ट करना है। मैं सिंपली आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि काम कैसे करना है। इसके बाद चलिए मैं डाउन ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देखिए ऑडियो फिल्टर, दोस्तों ऑडियो फिल्टर पर क्लिक करके आपके जो वॉयस है वॉयस आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है, वॉयस चेंजर रोबोट, रोबोट की वॉयस आपको जो वॉयस है आप रोबोट की वॉयस बना सकते हैं। तो दोस्तों यही से वॉयस चेंज किया जाता है। या दोस्तों मान के चलिए कि आप अगर जेंडर है यानी कि मेल है और आप फीमेल का वॉयस लगाना चाहते हो तो यही से आप लगा सकते हो, यह भी एक बड़ा ऑप्शन होता है। तो चलिए दोस्तों मैं सिंपली डाउन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों देखिए नीचे जो है ऑडियो फिल्टर, तो ऑडियो फिल्टर की तो बात मैं कर लिया है, और नीचे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं इसका कोई काम नहीं आता है, तो सिंपली डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे वीडियो के बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए दोस्तों चलिए मैं ये जितना यहाँ पर ऐड किया है चलिए मैं सब डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट, इसके बाद फिर से डिलीट,
और इसके बाद देखिए पूरा काली हो चुका है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको ये मीडिया जो फर्स्ट मीडिया है मीडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। जैसे कि दोस्तों चलिए मैं एक बैकग्राउंड ऐसे आप चूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ जो बैकग्राउंड मैंने रखा था। चलिए मैं एक बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ से बहुत और इसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वीडियो की बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो वीडियो की बैकग्राउंड चेंज करने के लिए चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो कुछ ऐड किया है यहाँ पर सारी के सारी मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो सिंपली लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो दोस्तों वीडियो की बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैंने पहले जो ऐड किया था सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि वीडियो की बैकग्राउंड में जो इमेज आप लगाना चाहते हो सबसे पहले वही इनपुट करना होता है। दोस्तों इनपुट करने के लिए सबसे पहले ये मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों जो इमेज या फ़ोटो आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हो सबसे पहले वही सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों यही से आप फाइल से सिलेक्ट करना है। तो चलिए मेरा इस फाइल पर मेरा जो बैकग्राउंड है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है मैं यही से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डार्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दोस्तों अगर दोस्तों इस तरह ये जो बैकग्राउंड है इस तरह अगर आप मतलब रिमूव होता है या मतलब इधर उधर चलता है ना, तो दोस्तों आप यही मतलब एक जगह पर आप रख सकते हो। जैसे कि सिंपली इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब सिंपली इस जूम पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर कर्सर से आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो सिंपली लेयर पर क्लिक करना है और दोस्तों ये जो है जूम इन करना है। अगर जूम आउट होता है तो जूम इन करना है, अगर जूम इन होता है तो जूम आउट कर सकते हैं। सिंपली इस सीजर के राइट साइड पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों आप जिस तरह रखना चाहते हो इसी तरह आप रख सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरह रखना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि इज इक्वल टू ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि ये आपका वीडियो के बैकग्राउंड है। इसके बाद दोस्तों जो वीडियो आप जिस वीडियो के बैकग्राउंड लगाना चाहते हो ये वीडियो इनपुट करना होता है। इनपुट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मीडिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो नहीं होता है, लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे टॉप जो ऑप्शन है मीडिया, सिंपली मीडिया पर क्लिक करना है और जो वीडियो के बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो इसी वीडियो को इनपुट करना है। चलिए मैं ये वीडियो बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो आ चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीजर के राइट साइड जो ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों फुल स्क्रीन करना है। तो यहाँ पर ऑफ आप देख सकते हैं, राइट साइड पर जो बॉक्स है सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन, सिंपली उसके बाद डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों वीडियो जितना लंबा है उतना तो ये बैकग्राउंड जो है लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों राइट साइड पर उंगली से खींचना है। जितना वीडियो लंबा है उतना तक बैकग्राउंड आपको पूरा करना होता है। तो चलिए यही तक मैं करता हूँ और उसके बाद सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपली देखिए ये बैकग्राउंड का लेयर है और ये वीडियो का है, तो सिंपली वीडियो की लेयर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि उंगली से आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रोमा की, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एनेबल, तो सिंपली ऑन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, जैसे कि एक 28 है और एक 50 है, तो ये हमेशा होता है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन से ये आपको बराबर करना है। चलिए दोस्तों मैं ये बराबर कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं बराबर कर लेता हूँ, 37 आपके हिसाब से आप कर लीजिए और 50 की जगह पर मैं 52 करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये बराबर नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन में एक ही प्रॉब्लम है कि बैकग्राउंड बराबर नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा बहुत काम करना होता है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए की कलर, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही से आपको ये मतलब बराबर करना होता है। सो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं चलिए इतना ही मैं सेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आया है, तो मैं फिर से एक बार क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद दोस्तों मैं देखिए और इसके बाद दोस्तों मैं डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो चुका है कि बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो चुका है। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों यहीं से आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह वीडियो की बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों देखिए, जितना ऑप्शंस है मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों और एक ऑप्शन बाकी है, जैसे कि दोस्तों मतलब वॉइस ओवर कैसे करना है। वॉइस ओवर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये जो वीडियो है, वीडियो की देखिए जो ऑडियो है मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। तो ऑडियो यहाँ पर काट करने के लिए सिंपली लेयर पर क्लिक करना है और सीजर पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑडियो सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑडियो है यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली ऑडियो लेयर पर क्लिक करना है, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो तो जैसे कि दोस्तों मतलब ये वीडियो मान लीजिए किसी और का है और आपका वॉइस देना चाहते हो, तो वॉइस देने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए वॉइस ऑप्शन है, सिंपली वॉइस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद अलाउ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल सामने आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट ऑप्शन है, स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप मतलब जो भी वॉइस ऐड करना है, जो भी वॉइस ओवर करना है आप बात कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस तरह वॉइस ओवर करना है। और तो चलिए दोस्तों मैं ये कैंसिल कर लेता हूँ। और दोस्तों बाकी जो है एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता दिया है कि इस तरह वीडियो एडिट करना है। और उसके बाद दोस्तों जब वीडियो कंप्लीट होता है, एडिट कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए शेयर ऑप्शन है, तो सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉ है और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट मोड है। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए और भी सेटिंग्स है। जैसे कि दोस्तों यूट्यूब के लिए अगर वीडियो आप बनाते हो तो यहाँ पर दोस्तों HD 720 पिक्सल रखना है और यहाँ पर 24 सिनेमा आपको चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉ है। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि जो लॉ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.78 MBPS। तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर 5 MBPS आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर 5 MBPS जैसे करेंगे, उसके बाद दोस्तों 5 MBPS करने के बाद सिंपली एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट हो रहा है। दोस्तों जब एक्सपोर्ट होता है ना तो आपने आपके वीडियो पर जितना सेटिंग्स, जितना एडिट किया है वो एक जगह पर जुड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों आप ये वीडियो कहीं पर इस्तेमाल कर सकता है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।